ललन टॉप की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। लॉकडाउन में फंसे मजदूर घर जाने के लिए परेशान हैं। कोई हजारों किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर रहा है तो कोई रेलवे ट्रैक के सहारे घर निकल जा रहा है। घर पहुंचने की उम्मीद में कुछ लोग रास्ते में ही दम तोड़ दे रहे हैं। कहने को तो सरकारों ने मजदूरों को घर पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई है, फ्री में मजदूरों को घर पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सबको ये सुविधा कहां नसीब हो पा रही है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गुजरात के सूरत से। यहां का गोड़ादरा इलाका, मजदूरों ने पेट काट कर पैसे जमा किए इस उम्मीद में कि घर पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी के कार्यकर्ता ने मजदूरों से टिकट बुक कराने के नाम पर पैसे लिए, लेकिन उसने ना तो टिकट बुक कराया ना ही लोगों के पैसे वापस किए। इतना ही नहीं, आरोप है कि जिसने पैसे जमा करने के बाद बीजेपी कार्यकर्ता राजेश वर्मा को दिए थे, उसे मारा पीटा गया। इंडिया टुडे से जुड़े पत्रकार संजय सिंह राठौर ने बताया कि झारखंड के मजदूरों ने घर जाने के लिए ट्रेन टिकट के पैसे जमा किए थे, उसे वासुदेव नाम के व्यक्ति को दिया था, उससे बीजेपी कार्यकर्ता राजेश वर्मा को ये पैसे दिए थे। बताया जा रहा है कि कई मजदूरों ने मिलकर 1,16,000 रुपए जमा किए थे। जब टिकट नहीं मिला तो उन्होंने वासुदेव से इस बारे में बात की। वासुदेव ने राजेश वर्मा से बात की, आरोप है कि राजेश वर्मा ने मारपीट की। घटना के कई वीडियो सामने आए हैं। हालांकि बीजेपी ने राजेश वर्मा के पार्टी कार्यकर्ता होने से इनकार किया है, जबकि राजेश वर्मा ने फेसबुक पर खुद को बीजेपी का कार्यकर्ता बताया है। एक वीडियो में दिख रहा है कि राजेश वर्मा और उसके आदमी वासुदेव को घर से निकाल कर पीट रहे हैं, वहीं दूसरे वीडियो में वो घायल पड़ा है, उसके सिर से खून बह रहा है। वो कह रहा है कि मैं टिकट लाने के लिए गया था, मैंने 1,16,000 रुपए दिए हैं, मैंने पैसे वापस करने के लिए कहा तो उसने इनकार कर दिया। 2,000 में टिकट बेचा जा रहा है। राजेश वर्मा ने बहुत मारा, मेरा सिर फाड़ दिया। राजेश वर्मा कहता है जो करना है कर लो, मेरे पास सबूत है, टोकन है 1,16,000 का, लेकिन अब वो पैसे नहीं दे रहा है। इस वीडियो में एक अन्य व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसका टोकन नंबर लग गया उसको भी टिकट नहीं दे रहे हैं, जिसका नहीं लगा वो गाड़ी में बैठ गया, ये कौन सा तरीका है, सबको टिकट मिलना चाहिए। इस तरह नहीं होना चाहिए, जिसका टोकन नंबर लग गया उसको भी टिकट नहीं दे रहा, जिसका नहीं लगा वो गाड़ी में बैठ गया, ये कौन सा तरीका होता है। झारखंड समाज हो या कोई भी हो, अपना नियम कायदे से करे, पैसा लिया पैसा दिया, टिकट मिलना चाहिए। पब्लिक यहाँ परेशान है, हर लोगों के पास कुछ व्यवस्था नहीं है। वीडियो बनाने वाले को घर से निकाला, इस घटना का वीडियो वायरल हो गया है। आरोप है कि जिस व्यक्ति ने मारपीट का ये वीडियो बनाया था, उसे राजेश वर्मा ने किराए के कमरे से निकलवा दिया। जिस व्यक्ति को घर से निकाला गया है, उसने बताया कि मैं अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ लक्ष्मी नारायण सोसाइटी में रहता था। मेरे मकान मालिक रामेश्वर राणा ने अपने आदमियों से मुझे पिटवाया। मैंने पुलिस को 46 बार फोन किया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद मैं लिम्बायत पुलिस स्टेशन पहुंचा, राजेश वर्मा ने मेरा कॉलर पकड़ लिया, गाली देने लगा। अब हम फुटपाथ पर रह रहे हैं, मैं अपने 3 छोटे बच्चों को लेकर कहां जाऊं? अब पुलिस का क्या कहना है इस पूरे मामले में? सूरत के डी डिवीजन के ACP AM परमार का कहना है कि लिम्बायत थाना क्षेत्र के गोड़ादरा इलाके में राजेश वर्मा नाम के व्यक्ति के ऑफिस के पास एक घटना हुई थी। वासुदेव वर्मा नाम के झारखंड के एक श्रमिक ने टिकट बनाने के लिए पैसे दिए थे। वो टिकट लेने के लिए राजेश वर्मा के यहाँ गया, वहाँ झगड़ा हुआ, इसमें वासुदेव वर्मा को चोट लगी थी, उसने राजेश वर्मा के खिलाफ शिकायत की थी, उसकी गिरफ्तारी भी हुई है। पुलिस का कहना है कि वासुदेव वर्मा और अन्य लोगों को गलतफहमी हुई थी कि राजेश ने टिकट के पैसे लिए थे, मगर टिकट नहीं दिया। दरअसल झारखंड जाने के लिए ट्रेन तय नहीं हुई थी, टिकट भी नहीं बना था, बाद में ये बात मजदूरों को समझाई गई। पार्षद के भाई पर लगा ज्यादा पैसे लेने का आरोप। सूरत का एक और वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के आधार पर सूरत के बीजेपी पार्षद के भाई पर मजदूरों से टिकट के अधिक पैसे लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। इंडिया टुडे से जुड़े सूरत के पत्रकार संजय सिंह राठौर ने बताया कि ये वीडियो 3-4 दिन पुराना है। सूरत महानगर पालिका के पार्षद अमित राजपूत के भाई अजीत राजपूत का वीडियो है। वीडियो वायरल होने के बाद पार्षद अमित राजपूत सामने आए। उन्होंने बताया कि वीडियो तब का है जब ट्रेन चलनी शुरू नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि प्रशासन ने लिस्ट बनाने को कहा था, उस समय तक किराया तय नहीं हो पाया था तो लगभग 1,000 रुपए लेने के लिए कहा गया था, लेकिन टिकट बनने के बाद जितने का टिकट बना था उतने ही पैसे लिए गए, बाकी पैसे वापस कर दिए गए, मेरे पास पैसे वापस करने की रसीद भी है। श्रमिक ट्रेनों से यात्रा करने वाले मजदूरों को अभी भी अपनी जेब से टिकट के पैसे देने पड़ रहे हैं, ये 2 घटनाएं तो यही बता रही हैं। वहीं केंद्र सरकार का दावा है कि टिकट का पैसा
रेलवे और राज्य सरकारें मिलकर दे रही हैं। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है सरवत, आप देख रहे हैं दी ललन टॉक। ये स्टोरी हमारे लिए हमारे साथी डेविड ने लिखी है। अगर ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू। विदेश में रहते हैं और आपके इलाके तक पहुंचा है कोरोना वायरस का असर, कैसे हैं हालात, उस देश की सरकार ने उठाए हैं क्या कदम और आप खुद कैसे कर रहे हैं कोरोना वायरस को डील, अगर सब तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो बनिए दी ललन टॉक की कोरोना डायरीज का हिस्सा। अपना वीडियो बनाइए, ड्यूरेशन मात्र 3 मिनट। वीडियो की शुरुआत में अपना नाम, काम, उम्र और पता बताइए, फिर बताइए अपना अनुभव। अपने अलावा थोड़े आसपास का माहौल भी दिखाइए, चाहे बालकनी से वीडियो बनाइए या दिखाइए कि कैसा है आपके दफ्तर का सीन। और वीडियो भेजने का पता है coronadiariesLT@gmail.com। आपकी बात को दुनिया तक पहुंचाएगा और कोरोना डायरीज को वायरस से लड़ाई का हथियार बनाएगा आपका दोस्त दी ललन टॉक।